हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स ये हमें क्या है पेपरों में आता है फाइव मार्क्स में भी आता है फिफ्टीन मार्क्स में भी आता है तो अगर हमें कॉलेज एग्जाम्स में आ जाए तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर इसके जो नोट्स हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक क्या है ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर ये पी अवेलेबल होती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस डिफरेंस हमें सबसे पहले क्या करना होता है ये मीनिंग देना होता है पहले फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली पहले आप स्टॉक को एक्सप्लेन करें फिर शेयर को एक्सप्लेन करें देन उनका डिफरेंस दें एंड उसके बाद एक लास्ट क्या है समरी दे दी जाए तो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है तो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक को स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी स्टॉक का मतलब होता है कि कितनी ओनरशिप है आपकी किसी कंपनी में एंड इज़ अ ब्रॉड टर्म और ये एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं ये सिग्निफाई करता है कि कितना क्लेम है एक कंपनी के एसेट में उनकी अर्निंग में ठीक है एक कंपनी है और उसके एसेट्स और उसके अर्निंग में आपका कितना क्लेम है व्हेन समवन ओन स्टॉक अब किसी बंदे के पास अगर स्टॉक है कंपनी में दे आर कंसीडर्ड अ शेयर होल्डर उसे क्या बोला जाता है शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर ठीक है तो यूजेज अगर हम बोले जो टर्म है स्टॉक इज़ अफन यूज इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमें रेफ़र करना हो कि टू द एंटायरिटी ऑफ द ओनरशिप जब हमें अपनी टोटल ओनरशिप बतानी हो ना एक कंपनी में तो हम इसको स्टॉक को स्टॉक uh, वर्ड को यूज़ करते हैं इट कैन इंक्लूड इसके अंदर क्या है बहुत अलग अलग टाइप के शेयर आ शेयर आते हैं सच एज कॉमन स्टॉक हो गया प्रेफर्ड स्टॉक हो गया मतलब कॉमन शेयर्स हो गए नॉर्मल शेयर्स हो गए प्रेफरेंस शेयर हो गए ठीक है देन स्टॉक होल्डर्स को रिसीव uh, मतलब रिसीव होता है डिविडेंड एंड दे अफन हैव अ वोटिंग राइट और उनके पास क्या होते हैं वोटिंग राइट्स भी होते हैं कंपनी के डिसीजन में ठीक है तो ये हमारा स्टॉक का था देन अब अगर हम शेयर में जाएं तो एक शेयर क्या होता है अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ओनरशिप है एक पर्टिकुलर कंपनी में कि आपके इंडिविजुअल लेवल पर कितना ओनरशिप uh, है किसी कंपनी में इट इज़ अ स्पेसिफिक पीस ऑफ कंपनी ओवरऑल इक्विटी कैपिटल कि आपका इक्विटी कैपिटल में से कितना पार्ट है ठीक है वैन यू बाय अ शेयर जब आप क्या है बाय कर लेते हो शेयर यू आर बाइंग अ पोर्शन ऑफ द ओनरशिप इन द कंपनी जब आप क्या कंपनी में क्या है कुछ पार्ट इक्विटी का आ, क्या कर रहे हो बाय कर रहे हो ठीक है द टर्म शेयर इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब इक्विटी ओनरशिप आप इस टर्म को तब यूज करते हो जब आपको इक्विटी ओनरशिप को क्या है बताना होता है मोर स्पेसिफिकली और सिंगलर सेंस में यूजेज की बात करें तो शेयर को यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप का फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है उसने इशू किए तो टोटल और वन मिलियन शेयर तो उसमें से आपके कितने हैं उसे कहते हैं शेयर्स ठीक है तो अब हम अपने मेन में आ जाते हैं जो हमारा क्या था डिफरेंस था मेन डेफिनेशन तो स्टॉक की डेफिनेशन क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप कंपनी में एक जनरल टर्म में ठीक है पर अगर शेयर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है इंडिविजुअल यूनिट तो यहाँ पे आप ये याद रखो कि यहाँ पे जनरल टर्म होती है यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट होती है ठीक है देन प्लूरल फॉर्म अब हम ये देखते हैं कि अगर शेयर को अगर हम सिंगुलर जैसे यहाँ पे बोला है कि स्टॉक का प्लूरल क्या होता है स्टॉक्स होता है एंड शेयर का प्लूरल क्या होता है शेयर्स होता है ऑब्वियसली बात है तो ईजी सही है बट हाँ uh, आप इसको एक डिफरेंस बना सकते हो दे स्कोप की बात करें तो कैन रेफर्स टू ऑल शेयर्स ऑफ अ कंपनी कलेक्टिवली कंपनी के सारे शेयर्स जितने भी आपके पास हैं उन सबको रेफर करना है तो स्टॉक बोलिए और अगर एक सिंगल यूनिट uh, आपने अपनी ओनरशिप की बतानी है तो उसे शेयर्स बोलिए यूजेज की बात करें तो इसको बड़े वे में यूज़ किया जाता है स्टॉक क्या एक ब्रॉडर टर्म हो गई एंड शेयर्स क्या है एज कंपेयर टू दिस थोड़ी स्पेसिफिकली यूनिट हो गई देन ओनरशिप की बात करें तो इसका इसका मतलब होता है ये इंप्लाई कर रहा है ये शो कर रहा है कि ओनरशिप आपकी कितनी है कॉपोरेश कंपनी uh, में कॉरपोरेशन में और जो शेयर्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना फ्रैक्शन है आपका ओनरशिप का ठीक है उस कंपनी में देन वैरायटी की बात करें तो कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक इसमें क्या होता है कॉमन स्टॉक होते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं और शेयर्स की बात करें तो कॉमन शेयर्स होते हैं और प्रेफर्ड शेयर होते हैं ठीक है देन डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक होल्डर्स को रिसीव होता है डिविडेंड बट ये डिपेंड होता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है और शेयर होल्डर को रिसीव होता है डिविडेंड वो डिविडेंड uh, वो डिपेंड uh, करता है कि किस टाइप के शेर शियर, शेयर्स हैं अगर वो बेसिकली अगर वो शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको तब प्रेफरेंस मिलेगा अगर नॉर्मल शेयर है तो आफ्टर प्रेफरेंस शेयर मिलेगा ठीक है उसके बाद अगर हम देखें वोटिंग राइट तो कॉमन स्टॉक होल्डर यूजली हैव अ वोटिंग राइट इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में और अगर हम शेयर्स की बात करें तो इसमें क्या है वोटिंग राइट्स होंगे नहीं होंगे डिपेंड करेगा आपने किस टाइप के शेयर लिए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर लिए हैं और इक्विटी शेयर लिए हैं वो डिपेंड करेगा देन मार्केट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो शेयर को यूज किया जाता है लेस कॉमनली ठीक है कम बोलते हैं इन द कंटेक्ट ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट Stocks is commonly used to refer टू ट्रेडेबल फाइनेंस तो मतलब क्या है इसको कॉमनली बोला जाता है इसको लेस बोला जाता है ठीक है देन वट इज इट ये है क्या स्टॉक है ओनरशिप कंपनी में कितनी है आपकी शेयर है इंडिविजुअल ओनरशिप कितनी है आपकी ठीक है यूजेज की बात करें तो इसको यूज किया जाता है जनरल सेंस में इसको यूज किया जाता है स्पेसिफिक में इशुएंस की बात करें तो ऑल ओनरशिप इन अ कंपनी आपकी टोटल ओनरशिप कंपनी में कितनी है तो वो स्टॉक होती है अगर वन पीस की बात करें तो वो शेयर होता है वन पीस ऑफ ओनरशिप कितनी है ठीक है ट्रांसफर ब्रॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट इसको क्या है? आप खरीद और बेच सकते हो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को एंड जो शेयर्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं इनको ट्रांसफर किया जाता है प्राइवेटली और ऑन द स्टॉक मार्केट ठीक है दोनों में देन बोला है डिविडेंड तो इसमें रिसीव होता है डिविडेंड इसमें डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप का शेयर है देन वोटिंग राइट की बात करें तो इसमें होते हैं वोटिंग राइट और इसमें डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप की टाइप के शेयर हैं और कितने शेयर हैं ठीक है नंबर ऑफ शेयर्स तो होप आपको ये डिफरेंस समझ आया अब हम इसका डिफरेंस देख लें तो समरी में बोले तो जो स्टॉक है ये मोर जनरल टर्म है जिसमें सब कुछ आ जाता है टोटल कितनी ओनरशिप है आपकी किस, किसी किसी कंपनी में और शेयर की बात करें तो ये स्पेसिफिक यूनिट बताता है आपकी स्पेसिफिक ये कह सकते हैं कि जब हमें रेफर करना हो ठीक है ओनरशिप वन पीपल्स इज़ दे ओन स्टॉक और शेयर्स दे आर इशेंशियली एक्सप्रेसिंग ओनरशिप इन अ कंपनी पर अगर जब दोनों बोले तो इसका मतलब क्या है वो कहीं ना कहीं ओनरशिप बता रहे कंपनी में एंड द टर्म आर अफन यूज इंटरचेंजेबली और कभी कभी क्या है एक के बदले दूसरे को बोला जाता है ठीक है जैसे स्टॉक बोलना तो शेयर भी बोल सकते हैं शेयर बोलना है स्टॉक भी बोलता है ये देखा गया है कि नॉर्मल बोल देते हैं एवरी डे लैंग्वेज में ठीक है बट इनमें बहुत बड़ा डिफेंस होता है जो हमने क्या आबीर देखा है तो ये थी हमारी वीडियो आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया थैंक यू